हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे प्रताप स्नैक्स के बारे में। स्नैक्स बनाती है कंपनी। प्रोडक्ट्स की बात करें तो ये सारी लाइन आइटम्स है जो ये कंपनी बनाती है। बहुत सारी वैरायटी है। और सेल्स की अगर बात करूँ तो अच्छा खासा सेल्स नंबर भी है इस कंपनी के पास। प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। प्रमोटर्स की अगर बात करूँ तो 71% शेयर्स होल्ड करते हैं और 0% प्लेज शेयर्स है, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग बात है कंपनी के लिए। फिलहाल ट्रेड कर रहा है 460 पे। 52 वीक हाई 989। 50% से भी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है अपने हाई से। आज के दिन में 499 गया था, लेकिन 460 पे क्लोज हुआ। ओपनिंग में एक उछाल देखने को मिला, लेकिन उसके बाद वहाँ से नीचे। तो आगे क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, आइए जानते हैं। ये है डेली चार्ट, जिस पे अगर मैं सुपर ट्रेंड लगाऊँ तो अभी भी नेगेटिव है, तो सुपर ट्रेंड के हिसाब से बाय नहीं करना चाहिए। 593 पे है। बात करूँ अगर मूविंग एवरेज की, तो मूविंग एवरेज भी 546 पे है। फिलहाल बाय ना करें मूविंग एवरेज के हिसाब से। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो ये है कि ये जो डाउनवर्ड ट्रेंड चला आ रहा है इस स्टॉक प्राइस में, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कंसोलिडेशन, फिर हाई, फिर कंसोलिडेशन, फिर एक हाई, फिर एक कंसोलिडेशन, फिर एक हाई, लेकिन ये प्राइस कंटिन्यूसली नीचे ही जा रहा है। फिलहाल भी एक कंसोलिडेशन रेंज में है। यहाँ से हो सकता है ये प्राइस इस तरफ मूव करे, लेकिन ये जो 630-640 का रेंज है, वहाँ से दोबारा ये स्टॉक प्राइस नीचे आ सकता है। तो लॉन्ग टर्म व्यू इस स्टॉक में ना रखें फिलहाल के लिए, क्योंकि क्लियर ब्रेकआउट जब यहाँ पे दिखेगा तभी निवेश करेंगे। अभी जो यहाँ पे कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, वो भी क्लियर कंसोलिडेशन नहीं है। आप देख सकते हैं डाउन साइड कंटिन्यूस चल रहा है। अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन देखने को मिलता है अगले कुछ सेशंस में, तो पॉसिबल है कि 650 का एक टारगेट देखने को मिले, लेकिन फिर 650 के ऊपर ब्रीच होना चाहिए। 700 के पास का जो रेंज है, अगर उसके ऊपर ट्रेड करेगा ये स्टॉक, तभी अपसाइड देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए 450 से 600 का एक टारगेट ले सकते हैं, लेकिन बहुत ही रिस्की कॉल है, क्योंकि कंटिन्यूस डाउन साइड है। अभी भी कंसोलिडेशन दिख नहीं रहा है स्टॉक में। सो बेहतर होगा इस स्टॉक से फिलहाल दूर बने रहें। 700 का जो एक लेवल है वो क्रॉस करने दें, क्योंकि उसमें काफ़ी टाइम लगेगा। अभी बहुत सारे अच्छे स्टॉक्स हैं जिसमें हम निवेश कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए प्रताप स्नैक्स भी अवॉइड करें। कंसोलिडेशन क्लियर नहीं है, और अगर यहाँ से अपसाइड मूव आता भी है तो 620-630 तक जाएगा, और फिर वहाँ पे एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा इस स्टॉक में। तो प्रताप स्नैक्स भी अवॉइड कीजिए थोड़े दिन के लिए। कंसोलिडेशन होगा तो हम बनाएंगे दूसरा वीडियो और बताएंगे कि इसमें निवेश करना चाहिए या नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब फॉर रेगुलर अपडेट्स।